अभिनय से दिल जीतने वाली अभिनेत्री दिव्या दत्ता का आज जन्मदिन है। वो आज अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है जब मेहनत के बाद भी सफलता मुश्किल से मिल पाती है। हिंदी सिनेमा दुनिया में काम कर चुकी अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग और रागिनी MMS 2 जैसी बड़ी फिल्मों में छोटे किरदार निभा कर ही उन्होंने दर्शकों का दिल जीता, लेकिन दिव्या को अब तक मुख्य भूमिका नहीं मिल पाई जिससे वो अपने आप को साबित कर सके। सितंबर को लुधियाना में जन्मे दिव्या के पिता का निधन तभी हो गया था जब वो 7 साल की थी। इसके बाद दिव्या और उनके भाई की परवरिश उनके माने की। दिव्या ने पहली बार फिल्म शहीद मोहब्बत में अपना अभिनय दिखाया और इस फिल्म की वजह से वो चर्चा में आई। इसके बाद दिव्या ने फिल्म वीर जारा में अपने अभिनय से एक बेहतर किरदार दिखाने की कोशिश की। फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर तथा दिल्ली 6 जैसी अलग परिदृश्य वाली फिल्मों में अभिनय करने वाली दिव्या ने कई तरह के किरदार निभाए हैं। इसके अलावा दिव्या ने स्टैंडी का डब्बा, माई फ्रेंड पेंटो, डेंजरस इश्क, हीरोइन, स्पेशल 26, जिला गाजियाबाद, लुटेरा, भाग मिल्खा भाग, रागिनी MMS 2 और बदलापुर जैसी फिल्मों में भी अपनी कला को दिखाया है। हालांकि दिव्या एक काबिल अभिनेत्री हैं, लेकिन लीड रोल के लिए फिल्मकार शायद उन पर अपना पैसा नहीं लगाना चाहते क्योंकि वो उसमें रिस्क मानते हैं। दिव्या अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर जी सिने अवार्ड और आईफा अवार्ड सहित कई अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। फिल्मों के अलावा दिव्या कई बारों के लिए कई लव एंड रिलेशनशिप विषयों पर अपने आर्टिकल्स भी लिखती हैं, जो कि उनका शौक भी है। चुलबुले अंदाज वाली दिव्या की कुछ बड़ी फिल्मों के आने की भी खबरें मिल रही हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि दिव्या नई फिल्मों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करती रहें और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ती रहें।